10 साल पुराने डीजल चलित ऑटो विक्रम को बाहर करने के विरोध में देहरादून में विक्रम ऑटो और सिटी बसों ने चक्कर जाम का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही विधानसभा कूच करने का भी ऐलान किया गया है। दरअसल परिवहन विभाग ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू कर दिए हैं और वाहनों की फिटनेस अनिवार्य कर दी है, जिसका ऑटो सिटी बस और विक्रम संचालक विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हाल ही में RTO टीए की बैठक हुई थी, जिसमें 2023 तक 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रम को बाहर करने का निर्णय लिया गया है, जिसका भी भारी विरोध देखा गया है। वाहन स्वामियों का कहना है कि अगर हमारी गाड़ी बाहर की जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये 10 साल वाला मामला नहीं है, ये लोगों की अब रोजी रोटी का जुड़ा मामला है। क्योंकि जिस आदमी ने 2015 में 17 या 18 19 में जब भी लोन लेके अगर गाड़ियां ले रखी है और वो अपने बच्चे पाल रहा है, तो अगर उसे 2 मार्च 2023 में अगर उसकी गाड़ी समाप्त हो जाएगी तो पैसे कहाँ से, पहले तो बैंक के ही नहीं कहाँ से चुका पाएगा। तो हमारा विरोध ये है कि जैसे कि माननीय उच्च न्यायालय का 2017 का एक आदेश है कि डबल बेंच का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ना तो RTA ना ही STA कोई आयु सीमा निर्धारित कर सकता है, तो इन्होंने जो है ऑटो और विक्रम की सीमा क्यों निर्धारित करके उसे समाप्त करने की कोशिश की गई।